नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट सी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 28 अगस्त 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के हर एक अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बीएड और बीटीसी का जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसकी अपडेट को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग मामला चल रहा है और फाइनल मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। ठीक है, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा वो पूरे देश में लागू होगा। तो यूपी में दोस्तों मामला गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में या कहीं पर भी गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो यहाँ पर मान्य हो जाएगा। तो हर एक अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। एक और दोस्तों, पहले अजब गजब न्यूज आपके सामने रखते हैं कि परीक्षा में प्रेमिका हुई फेल तो प्रेमी ने फूंक दिया पूरा स्कूल। जी हाँ दोस्त, इस अपडेट को आप देख सकते हैं जो कि एक बड़ी खबर है और आप यहाँ देख सकते हैं कि अजब गजब न्यूज। तो भैया देख सकते हैं कि आजकल क्या क्या हो रहा है कि परीक्षा में प्रेम का फेल हो रही है तो प्रेमी स्कूल को ही पूरा फूंक दे रहा है। अगली अपडेट में बात करेंगे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हस्ताक्षर अभियान लगातार जारी है। एक बात समझ लीजिए, कल जब हमें नौकरी मिलेगी सभी बच्चों को, तो गाइस सबसे जो जरूरी चीज होगी बाद में आपके लिए वो पुरानी पेंशन बहाली होगी। ठीक है, अगर एक बार दोस्त ये लागू हो जाता है तो सभी के लिए खुशखबरी होगी। राजस्थान से बड़ी खुशखबरी है कि वहाँ पुरानी पेंशन लागू किया गया। ठीक है, तो कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अच्छी अपडेट मिली, लेकिन योगी जी अभी तक इसको लागू नहीं कर रहे हैं। जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। एक और बड़ी खबर जरा देख सकते हैं कि स्कूल का गेट गिरने से छात्र की मौत। ये दोस्तों आजकल बहुत खबरें आ रही हैं बच्चों की, लगातार किसी न किसी वजह से मौत हो जा रही है या टीचर सस्पेंड हो रहे हैं। फिर अगली अपडेट में बात करेंगे संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण पर जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। पूरी अपडेट को हम देखने वाले इस वीडियो में। अगली अपडेट आई एमपी में एक साल में होगी 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, 21 विभागों में 93,000 से ज्यादा पद खाली है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। तो आप लोग भी हर एक अपडेट पर नजर बनाए रखा करिए कि कहां से क्या अपडेट आ रही है, कहां से आपको नौकरी मिल सकती है। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल होगा कि नए शिक्षक भर्ती का इंतजार कब होगा खत्म, क्या फेल छात्र कर पाएंगे आवेदन, यूपी टेट का पेपर ऑनलाइन मोड से होगा क्या। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत से बच्चे चाहते हैं कि यूपी टेट का पेपर ऑनलाइन मोड से हो। ऑनलाइन पेपर होने से जो सबसे बड़ी चीज होती है वो पेपर आउट या पेपर लीक की समस्या नहीं होती है। ठीक है, ऑफलाइन में क्या होता है कि जो पेपर बनता है उसको पहले आपके स्कूल कॉलेज तक पहुंचाया जाता है सेंटर तक, तो उसी बीच में कहीं ना कहीं से पेपर कभी कभी लीक हो जाता है। ठीक है, तो ये सब दिक्कत रहती है, लेकिन ऑनलाइन पेपर बिल्कुल टाइम टू टाइम आपके स्क्रीन पर आता है। तो हर एक अपडेट पर हम लोग नजर बनाए रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले सबसे पहले आज के अजब गजब न्यूज को देखा जाए और जो कोर्ट की अपडेट होगी वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और शिक्षक भर्ती, जी हाँ दोस्तों, सुपर टेट का सेफ गुणांक भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। कि देखिए पहले आपको बता दें 2018 में लास्ट वैकेंसी 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी प्राइमरी की, सबसे बड़ी वैकेंसी। सोचिए 2019 में वैकेंसी नहीं आई है, 20 में नहीं आई, 21 में नहीं आई और 22 2000 चल रहा है और इस साल वैकेंसी के आसार भी कम है। 2023 में वैकेंसी के आसार बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो हर एक अपडेट पर नजर होगी और सेफ गुड़ांग जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर देखिए दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो पहले दोस्त ये अजब गजब न्यूज हम आपके सामने रखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि काफी बच्चे इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो जरा इस खबर को देखते हैं। ये अपडेट पहले आई है दोस्तों काहिरा 25 अगस्त, ईट प्यार में इंसान कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है, कभी कभी लोग प्यार में इतने दीवाने हो जाते कि वह सही गलत का फैसला नहीं कर पाते और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। अब इस बीच मतलब एक ऐसा ही मामला सामने आया है, प्यार में पागल एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल इस शख्स की शादी जिस लड़की से होने वाली है वह परीक्षा में फेल हो गई। इसके बाद लड़के ने सोचा कि मंगेतर से उसकी शादी टूट जाएगी, जिसके डर से उसने स्कूल को ही फूंक दिया। इस हादसे में स्कूल के कई जरूरी कागजात जल गए। यह घटना मिस्र के मेलोफोनिया की है। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। लड़का और लड़की एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं स्कूल ही फूंक दिया गया। ठीक है, तो अगली अपडेट दोस्तों जरा इस अपडेट को देखने वाले हैं, जो वैकेंसी आने वाली एमपी में। अपडेट क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार लगभग 1 लाख रिक्त पदों पर इस वर्ष अभियान चलाकर भर्तियां करेगी।
चौहान ने भोपाल में मंत्रालय में हुई बैठक में विभागों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह ठीक है उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां एक और कौशल विकास प्रशिक्षण स्वरोजगार के क्षेत्र में अवसर वृद्धि और ऋण अनुदान योजनाओं से युवाओं के लिए जीविका के साधन निर्मित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वही दोस्तों शासकीय विभागों में रिक्तियों की जानकारी एकत्र की गई। राज्य सरकार लगभग 1,00,000 रिक्त पद इस वर्ष अभियान चलाकर भरने जा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 21 बड़े विभाग में 93,681 पद रिक्त हैं। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन ने बताया कि 21 बड़े विभागों में 93,681 पद रिक्त हैं। तो गाइस ये सब बड़ी बड़ी खबरें हैं, तो हर एक राज्य की आप तक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको आवेदन का मौका मिलता है तो जरूर आवेदन करें और नौकरी लें, ठीक है। लखनऊ से अपडेट क्या है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण से मिलकर संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण की कार्रवाई जल्द कराने की मांग की है। इस पर मंत्री ने जल्द आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को अध्यक्ष जयंत तिवारी के नेतृत्व में मंत्री से भागीदारी भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए कार्मिक विभाग में हुई बैठक का हवाला दिया। बताया कि बैठक के कार्यवृत्त पर समाज कल्याण विभाग द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये दोस्तों अलग अपडेट थी, उसके बाद इस अपडेट को जरा देखिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से औरत क्षेत्र के निजी विद्यालय का गेट और पिलर गिरने से गुरुवार को मृत छात्रा के पिता की तारीफ पर विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य पर रिपोर्ट दर्ज हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर पहुंचे परिजनों ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर संडिला चकलवंशी मार्ग पर जाम लगा दिया। सीओ ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन और हर संभव शासकीय मदद का आश्वासन देकर शांत कराया। इस दौरान 1.5 घंटे जाम लगा रहा। इनायतपुर बर्रा गांव निवासी ध्रुव कुमार के इकलौते बेटे नैतिक उर्फ रुद्र आदमपुर के फैजुल्ला नगर गांव के बाहर संचालित विद्या राज्य एकेडमिक स्कूल में कक्षा 1 का छात्र था। सोचिए दोस्त इतनी बड़ी घटना हो जाती है प्राइवेट स्कूल की लापरवाही के चलते, ठीक है। तो हर एक अपडेट पर आप लोग की नज़र होनी चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इस बार सुपर टेट के लिए सेफ गुणांक क्या होगा, तो जरा इसको देखते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, ठीक है, इस वैकेंसी में पहले आपको ये समझना है कि 4,00,000 से ज़्यादा बच्चे पंजीकृत थे या जिन बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है। तो उसमें से 200 तकरीबन 1.5 लाख बच्चे पास होते हैं। कितने बच्चे? 1,50,000 से ज़्यादा बच्चे पास हुए। हर एक जानकारी आप तक होनी चाहिए, टोटल इतने बच्चे क्या हुए थे, पास हुए थे, ठीक है। तो एक बात और आप यहाँ समझिए, तो यहाँ पर दोस्तों जो मेरिट गई जनरल ओबीसी एससी एसटी में, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा वो देखने को मिला एसटी कैटेगरी को। जितने बच्चे पास हो गए सबको नियुक्ति पत्र मिल गया। जरा यहाँ पर समझ लीजिए पासिंग मार्क क्या है। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 150 में से सुपर टेट में पास होने के लिए 97 नंबर चाहिए थे। बाकी आरक्षित वर्ग हमारा ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप हो गया, इन बच्चों को पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए थे 150 में से। तो इसको भी जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पासिंग मार्क कितनी थी, ठीक है, नहीं तो फिर आपके अंदर कन्फ्यूजन आती है यार कि कैसे क्या क्या होता है। तो जनरल में दोस्तों ओबीसी में अब क्या होगा, इस बार चलिए सब पिछला हो गया। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो लास्ट वैकेंसी थी उसमें एसटी के पास कैटेगरी जितने बच्चे पास में सब नौकरी पा गए। एससी में दोस्तों कट ऑफ 58 तक मतलब मेरिट चली गई। ओबीसी में 66-67 तक आ गई, जनरल में भी 268 तक, मतलब मेरिट बिल्कुल ठीक ठाक थी, ज़्यादा मेरिट नहीं गई। लेकिन इस बार जरा समझिए, अब जो दो वैकेंसी 2022 में आती है या मान लेते 2023 में वैकेंसी आती है, ठीक है, तो अब दोस्तों जनरल कैटेगरी में नौकरी पाने के लिए कम से कम 75+ गुणांक चाहिए होगा। इसके लिए दोस्तों आपको सुपर टेट में 150 में से कम आपको कितना नंबर, 110 से लेके 120 नंबर लाना जरूरी हो गया है। पासिंग मार्क के भरोसे आप मत रहिएगा। ओबीसी कैटेगरी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 75+। एक चीज़ याद रखिए, जनरल और ओबीसी में ज़्यादा फर्क देखने को कभी नहीं मिलता है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी छात्रों के साथ सबसे बड़ा धोखा तब हुआ जब इन बच्चों के 6,800 सीट जनरल कैटेगरी के छात्रों को दे दिए गए। इसलिए आपको पता होगा कि 6,800 सीटों पर दोस्तों एक नई सूची जारी की गई, आवंटन सूची, लेकिन इन बच्चों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। लेकिन अगर इन बच्चों को नियुक्ति पत्र मिलेगा तो आप लोगों के लिए जो नए शिक्षक भर्ती के 6,800 पद होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ये नए शिक्षक भर्ती के पद हैं जो इन बच्चों को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आरक्षण का घोटाला हुआ था।
उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो दोस्त यहाँ पर मेरिट 70 तक जा सकती है और एसटी में दोस्त ये मेरिट इस बार 60 प्लस जाएगी। तो हर एक अपडेट पर आपकी नजर होनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में। बाकी कमेंट बॉक्स में दिया गया लिंक जहाँ से आप कोर्ट के हर एक अपडेट को पल पल की अपडेट को प्राप्त कर पाएंगे और प्राप्त करते रहिए। अब एक बात और आपको बता दें, जब तक ये मामला फाइनल नहीं होता बीएड और बीटीसी का, तब तक नए शिक्षक भर्ती भी आना मुश्किल हो जाएगा। और देखिए इस समय बीएड और डीएलएड कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, तो इस समय दोस्तों अगर ये क्लियर हो जाए कि बीएड को बाहर कर दिया गया या नहीं किया गया, तो कॉलेजों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। झटका कैसे लगेगा जरा समझ लीजिए। अगर बीएड छात्रों को बाहर कर दिया जाता तो भैया बीएड कॉलेज के बाहर ताला लगना शुरू हो जाएगा। अगर दोस्तों डीएलएड छात्रों को बाहर कर दिया जाता तो जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हैं वो सभी बच्चे बीएड की तरफ निकल जाएंगे, तो फिर डीएलएड कॉलेजों में ताला लगना शुरू हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसलिए यहाँ पर तारीख लग रही है। इसका फैसला होगा जरूर एक न एक दिन, जब 1 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्रों की नौकरी एक आदेश से चली जाती है, ठीक है, परमानेंट वाली, तो इसका भी दोस्तों फैसला होगा जरूर। मिलेंगे एक और वीडियो में। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहाँ से आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के हर एक अपडेट को प्राप्त कर पाएंगे कोर्ट न्यूज के माध्यम से। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस।